हेलो एवरीवन, जैसे कि हमको पता है कि JKSSB के अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट निकली है एंड क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके अंदर हमारा एक साइंस कंपोनेंट है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने साइंस कंपोनेंट से। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने केमिस्ट्री पोर्शन से। सो बिफोर स्टार्टिंग, हमने जो जेके बैंक की टेस्ट सीरीज ली है उसका हम फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो देने जा रहे हैं 20 जुलाई को, एंड इट इज़ फॉर बैंक PO। सो जिस जिसने अभी मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है वो ऑलिव बोर्ड की ऐप से परचेज कर सकता है, एंड अगर आप यूज़ करोगे कोड SSS तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है 20 जुलाई को। सो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा दैट दिस इज़ दी सिलेबस फॉर आर केमिस्ट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सो ये हमारा जितना भी सिलेबस है केमिस्ट्री का सिलेबस है फॉर JKSSB, और हम सेम थिंग कवर करेंगे फॉर क्लास 4 ऑल्सो। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस। अब इसमें हम कवर करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है, क्योंकि एट दी एंड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस पढ़नी है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। ठीक है, अब मैटर जो होता है वो भी आगे डिफरेंट फॉर्म्स का होता है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट में होता है, तो हर एक स्टेट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो उसके लिए हमें पहले फॉर्म्स ऑफ मैटर पता होना चाहिए। सो हम फॉर्म ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी पड़ेंगी। नेक्स्ट कम्स दी यूजेज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस टॉपिक में कवर करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबको पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका मास एंड हैज़ ऑक्यूपाई स्पेस वो क्या होता है हमारा मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब जो मैटर होता है इसका क्या होता है, डिफरेंट स्टेट होती है। अब स्टेट क्या हो गई, फिजिकल फॉर्म। जो भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल फॉर्म को हम बोलेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, तीन तरह की स्टेट ऑफ मैटर है। फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड गैस। अब कैसे पता चलता है सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैसेस क्या हैं, ये बेसिकली स्टेट है, मैटर की स्टेट है। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, या कह लो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। ठीक है, एंड गैसेस में क्या होगा, दे आर स्कैटर्ड। ठीक है, दे आर स्कैटर्ड। सो इन बेसिस पे हमें डिफाइन करते हैं हमारी स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, उससे पहले अगर मैं पूछूं कि आप लोगों से कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो, सो हम ये बोलेंगे कि प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ कम्स व्हाट इज, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आई वुड से प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर, इस तरह की जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। वो सारी चीज़ें जिसमें जो फिजिकल, जिसमें जो मैटर की आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो रही हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैटर की खुद की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैटर की आइडेंटिटी चेंज ना होने से मतलब कि उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, वो होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं हम एक पीस ऑफ पेपर की। ठीक है, इस पीस ऑफ पेपर को जब हमने कट किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। अगर हम इस चीज़ को बोलेंगे, डिफाइन करने बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये भी हमारा एक पीस ऑफ पेपर ही है। उसको अगर हमने छोटे पार्ट्स में कट कर दिया तो उसका जो स्मॉल पार्ट भी होगा ना, ये भी अपने आप में पेपर ही कहलाएगा।
चाहे हम इस पार्ट की बात करें, इस पार्ट की बात करें, या किसी इस पार्ट की बात करें, ये भी अपने आप में ये क्या है, ये पेपर ही है। सो इससे क्या मतलब हुआ कि उसकी मैटर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, पहले भी वो पेपर ही था, कट होने के बाद भी वो पेपर ही रहा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है। जो केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी है वही केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। तो ये मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी जो एग्जांपल्स हैं इम्पॉर्टेंट वो कवर करने की कोशिश की है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स बताने लगी हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इजी हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मैंने सारी जो है इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर की हैं, ठीक है। अगर इससे मिलती जुलती कोई आ जाएगी तो आप कर लोगे। सो कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स जिस तरह से मैं बता देती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर पा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर, अगर आपको कोई एक एग्जांपल आ जाती है पेपर में, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो। पहले देखना कि क्या हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट कम्स द की वर्ड्स लाइक कट, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जब हम पेपर को कट कर रहे थे तो जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर थे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं था। तो कट करने के बाद, किसी भी चीज़ को कट करने के बाद, ठीक है, मिक्स करने के बाद, या फिर कह लो ग्राइंड करने के बाद, उसका सिर्फ शेप कह लो छोटी शेप चेंज होती है, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम ही रहती है, चाहे हम उसे कट करें, मिक्स करें, ग्राइंड करें। फॉर एग्जांपल हमने शुगर ले ली, ठीक है, शुगर को अगर हम ग्राइंड करते हैं तो हमारे पास पाउडर शुगर आती है, होती तो दोनों शुगर ही हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन तो दोनों का सेम ही है। सो अगर आपको किस इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं जिसमें हम लिखेंगे कटिंग ऑफ फूड, इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो वहाँ पे कटिंग की बात आ गई है तो मतलब कि वो फिजिकल होगा, सिर्फ कट हो रहा है वहाँ पे। मिक्स की बात होगी, ग्राइंड की बात होगी, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कीवर्ड की लाइक द ऑब्जेक्ट इज़ गेटिंग मेल्टेड, मेल्ट कर रहे हैं, फ्रोज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बॉइल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये सब भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा। रीज़न बीइंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आइस लिया, आइस को मेल्ट किया हमने वाटर में, आइस का अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें वो भी H2O ही होगा और वाटर का भी H2O ही होगा। इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है और केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, और हमने यही देखना होता है कि उसकी कहीं केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हो रही। अगर वो नहीं हो रही तो मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। फ्रोजन में भी, बॉइलिंग में भी सिर्फ क्या होता है, इन सभी चीज़ों में सिर्फ स्टेट चेंज होती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एग्जांपल कौन सी है। इफ़ वी टॉक अबाउट मास एंड वेट, हमारी ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, अगेन हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी। कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल। देन कम्स हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, फ्लेक्सिबल है। तो अगर हम इस तरह की बात करें कि ऑब्जेक्ट हार्ड है या फ्लेक्सिबल है, मीन्स हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। देन कम्स डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। देन कम्स बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, इवेपोरेशन पॉइंट, इन सब में क्या होगा, जो स्टेट ऑफ मैटर है सिर्फ वही चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी टर्म्स का मतलब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बस मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें जो है हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। नेक्स्ट कम डक्टिलिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम सब्सटेंस को अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इनटू वायर, ठीक है,
तो ये उसकी डक्टिलिटी बताती है। जैसे मेटल्स आर डक्टाइल, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में। तो डक्टिलिटी मीन्स अगर हम सब्सटेंस को कन्वर्ट कर पा रहे हैं इनटू वायर्स, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या होती है, जब हम सब्सटेंस को कन्वर्ट कर पाते हैं इनटू थिन शीट्स, उसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी से हमारा मतलब होगा वायर से, और मैलेबिलिटी से मतलब होगा कि थिन शीट से। देन कम लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग पार्ट, कि ऑब्जेक्ट कितना शाइनिंग शाइनी है या ग्लॉसी है। तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके लस्ट्रस की, विच इज़ ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी। देन कम्स सॉल्युबिलिटी, वेदर द ऑब्जेक्ट इज सॉल्युबल और नॉट, तो ये भी हमें क्या बताएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताएगा। देन कम्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। ये लिक्विड से रिलेटेड होता है। तो अगर हम इसको नॉर्मल समझें तो विस्कोसिटी मीन्स फ्लूड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। क्या होता है ये, फ्लूड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। इसमें क्या होता है, आप इसको एज अ फ्रिक्शन समझ सकते हो। जैसे हम अगर हम चल रहे हैं तो हमारे हमारे और लैंड के बीच में जो फोर्स लगती है वो फ्रिक्शनल फोर्स होती है। उसी तरह से जो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उसके अंदर भी क्या होती है, उन पार्टिकल्स के अंदर एक फोर्स होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है उन पार्टिकल्स के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्या बताता है कि हाउ फ्लूड ट्रेवल्स। इसके लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार्डबोर्ड ले लें, उस पर हम डालें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड ऑन द अदर हैंड हम डाल दें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, और हम उस कार्डबोर्ड को खड़ा करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो इजीली नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो ग्लिसरीन हम देखेंगे उसका जो फ्लो होगा वो एज कंपेरिजन टू वाटर स्लो होगा। तो ये बताते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, अगर फोर्स जो है इंटरनल फोर्स ज़्यादा है तो मतलब विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है इज़ वेदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कि मतलब उसकी कंडक्टिविटी कैसी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि वुड, देन वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि वुड अपने अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली नहीं होने देता, तो वुड क्या हो गया, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रबर हो गया, इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जो है उसकी कंडक्टिविटी कैसी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू द हीट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना हीट अपने से पास करने दे पा रहा है। तो अगर अच्छे से करने दे पा रहा है तो इट्स ए गुड कंडक्टर, अदरवाइज इट्स ए बैड कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे स्टील, वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारे में क्या आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी में आ जाएगा। देन कम्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म भी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें मैग्नेटिज्म का होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी हो पा रहा है मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। देन कम्स स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या स्टेट है एट द रूम टेम्परेचर, ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। देन कम्स ब्रिटल, इसमें हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कितना नाजुक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कितनी इजीली ब्रेक हो सकता है, ठीक है। ब्रिटल मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट कितनी इजीली ब्रेक हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। तो ये सारी जो एग्जांपल्स थी ये हमारी थी फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन देखेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन के लिए हम क्या क्या करते हैं। बड़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इस पर, हमें पूरा एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और फिर बोलेंगे कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, फिर आगे ऑप्शन दे दिए जाएंगे मेल्टिंग, इवेपोरेटिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। तो आपको वो प्रोसेस बताना है कि वो प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला था हम डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग, मेल्टिंग वगैरह, ये इन टर्म्स के बारे में, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। सो इन
प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट देना है। अगर एक सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हों, उसको एक ऐसे सब्सटेंस में अगर हमें कन्वर्ट करना हो जिसमें पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हों, देन हम क्या करेंगे? हीट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हों एज कंपेरिजन टू द सब्सटेंस जिसमें हमें उसे कन्वर्ट करना है, तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर कोई सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल लूजली पैक्ड हों और उसको हमें किसी ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है जिसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मेरे को देना था आपको। अब हम इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है, ठीक है, अब सोचो अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम क्या करेंगे? हीट देंगे या कोल्ड टेम्परेचर देंगे? देखो कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और हमें इसे कन्वर्ट करना है टू द लिक्विड जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। सो मैंने बोला था जब टाइटली टू लूजली में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड को कन्वर्ट करने में जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। उसके बाद जब हमें लिक्विड को कन्वर्ट करना है सॉलिड में, तो मैंने बोला था जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? उसको कोल्ड करेंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। हमने आइस ली, आइस को अब हमने, आइस जो है सॉलिड है, अब हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड मींस वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? उसको मेल्ट करेंगे। इस एग्जांपल से आप याद रखना तो आपको याद रहेगा, आइस टू हमने जब वाटर में कन्वर्ट किया तो उसको क्या किया? मेल्ट किया हीट प्रोवाइड की। ठीक है, जब लिक्विड टू सॉलिड जाना है, मतलब जब वाटर को आइस बनाना है, तो हम क्या करते थे? उसको फ्रीज़र में रखते हैं आइस वाटर को, ताकि वो आइस बन जाए। तो मींस हम क्या कर रहे हैं? उसे फ्रीज करें। ये एग्जांपल आप याद रखोगे तो आपको इसका कंसेप्ट भी याद रहेगा। सो हमें जब लिक्विड टू सॉलिड में जाना है तो हम उसे कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड में एज कंपेरिजन टू गैस जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मींस एज कंपेरिजन टू गैस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेरिजन टू गैस, और हमें लिक्विड से जब गैस पे जाना तो हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं गैस में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। और जब हमें गैस टू लिक्विड कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम उसको कोल्ड टेम्परेचर देंगे और उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंडेंसेशन। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रेन की इसमें। ठीक है, रेन की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये सन है हमारा, ये हमारा सी है, और सी में क्या है? हमारा वाटर। ठीक है, जब इस पे धूप पड़ेगी, हीट होगा, तो पानी क्या होगा? इवेपोरेट। पानी क्या होगा? इवेपोरेट। ठीक है, और ऊपर जाके ये क्या बन जाएंगे? हमारे क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है, ये होगा कैसे? बेसिकली जब सूरज से हीट आएगी इनको, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब हीट मिलेगी। हीट से क्या होगा? ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। जो बेसिकली हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, ये हमारे गैसेस ही होते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिक्विड है दैट इज़ वाटर, वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में बाय हीट, किसकी? सन की हीट से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इवेपोरेशन। और यहाँ पे जो गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर ये है, लिक्विड ये है, और गैस ये है। ठीक है, वाटर वेपर्स में बन रहा है। अब वाटर वेपर्स जब ऊपर उठेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से ये क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, और क्या करेंगे? ये क्लाउड्स की शेप ले लेंगे। ठीक है, जब क्लाउड्स अपना वेट उठा नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं? रेन करते हैं।
अब यहाँ पे हम गैस से लिक्विड का कन्वर्जन किस तरह से देख रहे हैं। जब ऊपर वाटर वेपर्स गए, ठीक है, जब ये ऊपर वाटर वेपर्स गए तो ये कन्वर्ट हो गए हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो गए ड्रॉपलेट्स में ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर। और वाटर ड्रॉपलेट हमारा किसकी शेप, किसकी फॉर्म में होगा? लिक्विड की फॉर्म में। तो हमने यहाँ से इसका प्रोसेस देखा कि गैस को, जो कि हमारे थे वाटर वेपर, उसको जब हमने कोल्ड टेम्परेचर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया? लिक्विड, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? कंडेंसेशन। ठीक है, आई होप आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इस एग्जाम्पल से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सॉलिड टू गैस का, उसका स्टेट का चेंज के बारे में देख लेते हैं। अगर हमें सॉलिड से गैस पे जाना है, ठीक है, अब मैंने इधर हीट भी लिखा है, कोल्ड भी लिखा है, तो अगर हम गैस से जब सॉलिड में जाएंगे तो हम क्या उसे हीट प्रोवाइड करेंगे? नो, क्योंकि गैस से अगर हमें सॉलिड की तरफ जाना है तो हम ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जहाँ पे पार्टली पार्टिकल लूजली पैक्ड है, और हम जा रहे हैं सॉलिड की तरफ जहाँ पे पार्टिकल टाइटली पैक्ड है। तो मैंने बोला था अगर हमें लूजली पैक्ड किसे टाइटली की तरफ जाना होता तो हम कोल्ड प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सॉलिड से अगर हमें गैसेस की तरफ आना है, ठीक है, टाइटली पैक से लूजली पैक की तरफ, तो हम क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैसेस, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, और सब्लिमेशन में एक वर्ड याद रखना कि सॉलिड गेट्स डायरेक्टली, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो होता है सब्लिमेशन। तो और अगर हम गैस को कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे हम उसको? डिपोजिशन। अब पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि हमसे सब्लिमेशन, कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम दे दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि ये किस प्रोसेस के अंडर आता है। तो बेसिकली हम सब्लिमेशन, मैं बता दूँ, यूज़ किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑर्डर टू प्योरीफाई दैट ऑब्जेक्ट्स हम सब्लिमेशन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। अब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं? ये हो गया हमारा जैसे कि मॉथ बॉल्स हो गई, ठीक है, मॉथ बॉल्स हो गई, मॉथ बॉल्स, ठीक है, फिर हमारा हो गया ड्राई आइस, ड्राई आइस, ये भी हमारी शो करती है। फिर उसके बाद नेप्थलीन बॉल्स आ गई, ठीक है, ये भी हमारा क्या करती हैं? सब्लिमेशन शो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेन चीज़ हमने क्या देखी थी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही है, मटेरियल की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। मीन्स कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ ना नया बन रहा है। वो हम बात करेंगे केमिकल चेंज वाले टॉपिक में, ठीक है, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इन सिंपल टर्म्स ये होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेंज हो जाए उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कब देखने के लिए मिलता है? या तो इसको हम देखते हैं कि इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सीन ईदर ड्यूरिंग और आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, सो हम डायरेक्टली जंप करते हैं, बेसिक, आई थिंक बेसिक मतलब आपको समझ आ गया है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम्पल्स पे जंप करते हैं। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, यही एग्जाम्पल्स हैं, इसी में से ही आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जाम्पल क्या क्या होती है? सबसे पहले होता है फ्लेमेबिलिटी। अब फ्लेमेबिलिटी से क्या मतलब समझ आता है आप लोगों को? फ्लेमेबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ इजीली बीइंग इग्निटेड। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली इग्निटेड की मतलब ऑब्जेक्ट जो है कितनी जल्दी फायर को कैच कर पा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्लेमेबिलिटी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इग्निटेड, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली इग्निटेड कि जो ऑब्जेक्ट है कितनी जल्दी फायर पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट हाईली फ्लेमेबल होते हैं ना उसको हम आग वगैरह कहते हैं ना, जो हाईली फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट हो उसको आग से दूर रखो। क्यों? क्योंकि वो इजीली क्या करते हैं? फायर को पकड़ लेते हैं। अब अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें फ्लेमेबिलिटी में, तो कौन से हो गए हमारे?
जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो ना, वो सारे कितने, वो क्या होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाईली फ्लेमेबल होते हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद गैसोलीन आ गया हमारा, गैसोलीन ये भी हमारा फ्लेमेबल प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारा सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी मींस कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, हाईली फ्लेमेबल प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स ये इजीली फायर को पकड़ लेते हैं। तो ये हो गई उसकी, ये हो गई हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल। देन कम्स टॉक्सिटी। टॉक्सिटी हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए कितना टॉक्सिक है, कितना जहरीला है, कितना हार्मफुल है, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की टॉक्सिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। सो टॉक्सिटी इज़ आवर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एग्जांपल इसमें भी लेते हैं, जैसे कि लेड, लेड लेड हो गया, मर्कुरी हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं। लेड को कई बार हमने सुना होगा, टीवी में भी बोलते हैं कि ज़्यादा लेड का कंजम्पशन हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे हमारी बोन्स की प्रॉब्लम होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, किडनी में होती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी इससे होती है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ख़राब होता है। तो ये किससे होता है, इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने से, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया टॉक्सिटी के बारे में। देन कम्स हीट ऑफ कम्बशन। हीट ऑफ कम्बशन मीन्स कि जब हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और हम ऑक्सीजन को भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम रिएक्शन करवाते समय कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन में कितनी हीट जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने देखा होगा कि बहुत बार जब हम रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है। अगर केमिस्ट्री के भी अगर हमने कुछ प्रैक्टिकल किए हो, हम जो वेसल लेते थे कि अगर हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अगर हम मिक्स करते थे तो हमारा वेसल क्या होता था, गर्म हो जाता था, तो वो किसकी वजह से, हीट ऑफ कम्बशन की वजह से। नेक्स्ट कम्स एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी सेम ही है हीट ऑफ कम्बशन की तरह, बट इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करते हैं हम एक मोल, एक वन मोल, मोल की हमारी क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है, जैसे केजीज वगैरह होते हैं ना मेजर करने वाले, वैसे मोल भी एक क्वांटिटी होती है हमारी। जब हम वन मोल सब्सटेंस यूज़ करें और देखें कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम बोलेंगे एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो, जैसे हमने हीट ऑफ कम्बशन में देखा ना कि हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जिस भी चीज़ को हम रिएक्ट करवाएंगे ना, उसका हम वेट जो है ना, एक स्टैंडर्ड वेट लेंगे। अगर आपको पेपर में ये स्टैंडर्ड वेट दिखे, फिक्स्ड वेट दिखे, या फिर वन मोल ऑफ सब्सटेंस वर्ड यूज़ करते हुए देखे कि इतने सब्सटेंस को हम किसी से रिएक्ट करवाने के बाद हीट जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें हम फिक्स्ड क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एक्सप्लोजिव। जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्सप्लोजिव है, ठीक है। देन कम्स पीएच। पीएच क्या हो गया, हमने पढ़ा था कि जैसे हम देखना हो पीएच वैल्यू। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें कि ऑब्जेक्ट कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या न्यूट्रल है, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पीएच वैल्यू की। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट की एसिडिक या बेसिक के बारे में बात करते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हम पीएच को मेजर करते हैं पीएच स्केल पे, ठीक है, पीएच स्केल पे मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14 होती है। जो पॉइंट, जो 7 होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। जो इस साइड होंगे 7 के लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 to 6, वो होंगे एसिडिक इन नेचर। जो 7 से अबव होंगे, मतलब 8 to 14 होंगे बेसिक इन नेचर। जो 7 पे होगा ऑब्जेक्ट वो होगा हमारा न्यूट्रल। जो यहाँ पर कलर इंडिकेट होता है वो ब्लूइश और पर्पल होता है यहाँ पे, और इस तरफ रेडिश में होगा, इधर ब्लूइश और पर्पल में होगा बेसिक जो होगा, ठीक है। सो जो जिस जो जितना 0 के पास होगा, मतलब जो इस पोजीशन पे होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, देन 1 पे जो होगा वो उसे कम होगा, 2 पे जो होगा वो
पहले वाले से कम एसिडिक होगा, फिर ऐसे करते करते वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेसिक आते जाएंगे हमारे। सो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे हमारा हो गया लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, ये हमारे एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें इस ये सब हमारे एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूँ जैसे सोपी वाटर हो गया, ठीक है, या फिर ब्लीच हो गया, ये हमारे हो जाएंगे बेसिक प्रोडक्ट्स। एक और एग्जांपल है बेसिक में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारी क्या है, बेसिक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बेसिक इन नेचर है बेसिकली, ठीक है। सो पीएच हो गया हमारा एक हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। देन कम्स टेस्ट। टेस्ट भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि हमें हम क्या बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है कि स्वीट है, सोर है, सॉल्टी है। तो अगर हम इस तरीके की कोई बात करें ना किसी ऑब्जेक्ट की, अगर हम बोलें कि कोई ऑब्जेक्ट स्वीट है, बोले शुगर स्वीट है, तो मींस शुगर स्वीट है मतलब कि मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो टेस्ट भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। देन कम्स दी रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी हम इसमें बात करेंगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी रिएक्टिविटी की, ठीक है। अब मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। हमारा आ जाता है पहले कलर चेंज। इससे मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कलर, ठीक है, कलर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कलर हमारी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। सिंपल अगर किसी ऑब्जेक्टिव कलर की बात करें कि एप्पल इज़ रेड इन कलर, तो मतलब वो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। बट अगर मैं बात करूँ, अगर पेपर में आए कलर तो हमारा आएगा वो फिजिकल चेंज। अगर मैं बोलूँ कि कलर चेंज हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हमारी होगी ये केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना कलर चेंज कर पा रहा है, दिस इज़ ड्यू टू केमिकल प्रॉपर्टी। और अगर हम सिर्फ कलर की बात करें तो हो जाएगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब सपोज एप्पल है, उसको हमने काटा नहीं है, ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं एप्पल इज़ रेड इन कलर। तो ये मतलब हम सिंपल कलर की बात कर रहे हैं, तो ये है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम एप्पल को काट देते हैं तो जो कटी हुई साइड होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो उसकी सरफेस है वो अपना कलर चेंज कर देती है, ठीक है, ठीक है। तो जब हमने एप्पल काटा तो उसकी जो हम देखेंगे कुछ देर बाद उसमें क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, सरफेस वाला जो कटा होगा वो क्यों होगा, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो हमने जब एप्पल की बात की नॉर्मल उसके रेड कलर की, तो मतलब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। बट जब हम कलर चेंज की बात करें तो मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। फॉर एग्जांपल करोजन ऑफ आयरन, ठीक है, उसमें करोजन ऑफ आयरन में क्या होता है, जब आयरन को रस्ट लगता है तो उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सरफेस आ जाता है, ठीक है। तो वो अगर हम पूछे करोजन ऑफ आयरन किसकी एग्जाम्पल है, तो केमिकल प्रॉपर्टी की वो एग्जाम्पल होगी, क्योंकि उसमें कलर चेंज हो रहा है। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो रस्ट का फॉर्मूला होता है 2Fe, ये आयरन होता है 2FeO3.XH2O। एक्स यहाँ पे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हमारे इसके साथ अटैच है। तो ये होता है हमारा रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। देन कम्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो जो पेपर में डायरेक्टली आते हैं। देन कम्स दी रेंसिटी ऑफ फूड, ठीक है। रेंसिटी ऑफ फूड मतलब ये भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। रेंसिटी ऑफ फूड मीन्स कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फूड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, हम उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। जब फूड ख़राब हो जाएगा तो क्या हम खराब फूड को फ्रेश फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब फूड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब कि वो एक केमिकल चेंज में आ जाएगा हमारा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिटी ऑफ फूड। देन कुछ फैक्ट्स डिस्कस करने हैं मुझे क्रोजन ऑफ आयरन के, इस पे क्वेश्चन आता है। क्रोजन ऑफ आयरन पूछते हैं कि जो लेयर होती है आयरन के ऊपर, कई बार पूछते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। रस्ट का कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, और रस्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड
आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना 2FeO3, तो वो क्या था? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रेटेड क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कुछ अटैच थे उसके साथ, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलेंगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, करोजन को। करोजन को प्रिवेंट करने का तरीका, या तो हम उसको पेंट कर लें, आयरन को जो है हम पेंट कर लें, उससे भी करोजन नहीं होगा, या फिर ग्रीस कर लें तब भी नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है गैल्वनाइजेशन और अलॉइंग। अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं, हम जिंक मेटल की लेयरिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जिंक की ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो जिंक होता है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये अनइफेक्टेड होता है एयर और मॉइस्चर से, इसको एयर और मॉइस्चर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। और जिंक की इसलिए करते हैं क्योंकि इस ये जो है एयर और उसके साथ, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। देन कम्स अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली अलॉइंग होता है कि मिक्सचर कर लेना, ऐड कर देना, मिक्स कर देना, ठीक है। अब अलॉइंग में क्या होता है कि हम जो अपना मोल्टन आयरन है ना, हमने आयरन को ही बचाना होता है ना, जो हमारा मोल्टन आयरन है उसको हम मिक्स करेंगे कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ, मैंगनीज के साथ, क्रोमियम के साथ और निकल के साथ, ठीक है। मोल्टन आयरन को हम मिक्स करेंगे विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है। एंड ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेनलेस, उस ऑन कूलिंग जो अलॉय बनेगा उसको हम बोलेंगे स्टेनलेस स्टील। सो ये कुछ फैक्ट्स थे जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको कवर करवा दिया। देन कम, ये मैंने यूजेस लिखे हैं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट था, इसको पढ़ लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू इस्टेब्लिश क्लासिफिकेशन विच आर यूज इन लेबल्स ऑन कंटेनर्स एंड स्टोरेज एरिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, विच आर यूज इन लेबल्स ऑन कंटेनर एंड स्टोरेज एरिया। हमें अगर केमिकल प्रॉपर्टी पता होगी तो उसके बेसिस पे ही हम लेबल्स वगैरह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू मटेरियल साइंस, ठीक है। दीज करेक्टरिस्टिक्स हेल्प साइंटिस्ट क्लासीफाई सैम्पल्स, आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल, प्योरीफाई सब्सटेंसेज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैम्पल्स होते हैं उनको क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होगी और सब्सटेंस जो होगा अननोन होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बता सकते हैं कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रॉपर्टीज़ पोजेस कर रहा है, तो वो इस कैटेगरी का हो सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई अननोन मटेरियल्स, वही, ठीक है। एंड प्योरीफाई सब्सटेंसेस, जैसे हमने बात की थी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, ठीक है, तो वो हेल्प करेगा हमें इन प्योरीफाइंग दी सब्सटेंसेस। उस सब्सटेंस को किस तरह से प्योरीफाई करना है हम वो डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स, नोइंग दी प्रॉपर्टीज़ हेल्प केमिस्ट मेक प्रिडिक्शन अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस टू एक्सपेक्ट, ठीक है। सो आप इसको एक बार देख लेना। तो जो हमारा टॉपिक था वो मैंने सारा कवर करवा लिया है, इसमें जितना भी हमें उसमें पढ़ना था, इन दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस जो मैं हमने देखना था, उसमें बस इतना ही पोर्शन था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको ईजीली हो जाएगा। थैंक यू। Thank you.